नमस्कार दोस्तों, मैं नाम कुणाल त्यागी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पैरेलल वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, अगर अभी करंट टाइम की बात करी जाए तो 1000 रुपीस के अंडर में अगर बेस्ट स्पीकर की अगर बात करूं तो सिर्फ एक है और वो है दोस्तों ये बोट स्टोन 350। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीकर काफ़ी कमाल के बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ ही दोस्तों अपना क्विक रिव्यू भी दूंगा कि क्या ये स्पीकर आपको 1000 रुपीज़ में सभी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है जो कि एक्चुअली में एक स्पीकर में होनी चाहिए। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने की तरफ से बॉक्स आपको यहाँ पर इस स्पीकर को कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स का साइज़ दोस्तों काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब स्पीकर भी हमारा काफ़ी बड़ा ही होने वाला है। सामने दोस्तों ऊपर की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी गई और नीचे लिखा गया हमारे पे स्टोन 350। बाकी और लेफ्ट और राइट साइड देखें तो लेफ्ट साइड तो दोस्तों बिल्कुल क्लीन है और पीछे के साथ इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं। नीचे दोस्तों प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर प्राइस जो है इसका 3490 रुपीज़ देखा है, बट एक्चुअल प्राइस दोस्तों ये नहीं है। एक्चुअल प्राइस क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जल्दी से दोस्तों बॉक्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स दोस्तों हमारा ओपन हो चुका है और ये रहा सामने की तरफ हमारा स्पीकर। इसको एक मिनट साइड में रखते हैं और देखते हैं दोस्तों बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एनवलप टाइप का है। तो ये रहा दोस्तों इस स्पीकर का मैनुअल, तो इसके हिसाब से आप अपने स्पीकर को सेट कर सकते हैं। और तो साथ ही दोस्तों बोट का वारंटी कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। दो केबल्स दी गई हैं दोस्तों यहाँ पर, एक तो मिल जाती है आपको माइक्रो यूएसबी केबल, उस दोस्तों आपको टाइप सी केबल यहाँ पर ना ही दी गई है, और दूसरी दोस्तों जो है ऑक्स केबल भी आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाती है। पर दोस्तों इस स्पीकर में आपको ऑक्स कनेक्टिविटी भी दी गई है। तो इन सब सामान को दोस्तों साइड में रखते हैं और आते हैं अपने स्पीकर की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्पीकर बोट स्टोन 350। अब दोस्तों देखने में तो हाथ में जैसे मैंने इसे पकड़ा हुआ है तो काफ़ी हैवी सा लग रहा है स्पीकर, क्योंकि दोस्तों 10 वोल्ट स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर और नीचे ही दोस्तों आपको यहाँ पर बेस रेडिएटर भी दिए गए हैं जो कि एक्चुअली दोस्तों प्रेस भी होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन मुझे इस स्पीकर का लगता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसके चारों तरफ देखें यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों एक कैरी स्ट्रैप भी यहाँ पर दिया गया है इसे कैरी करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है। वहीं पर दोस्तों कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसके देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी आसानी से यहाँ पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब दोस्तों आप अगर मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ पोर्ट्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दोस्तों एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट, ऑक्स पोर्ट और एचडी कार्ड स्लॉट भी यहाँ पर दिया गया है। तो तीन कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों बोट की ब्रांडिंग भी दी गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये स्पीकर जो है आपको 10 वोट का देखने के लिए मिलता है, बट दोस्तों वो जो चीज़ है वो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है। एक्चुअली में स्पीकर कैसा परफॉर्म करता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे पावर ऑन करना पड़ेगा पहले इसको। पावर ऑन, यू प्लग्ड इनटू निर्वाना, योर डिवाइस इज रेडी टू पेयर, यू आर नाउ कनेक्टेड टू बोट स्टोन। देखा दोस्तों कितनी जल्दी कनेक्ट हो चुका है मेरे स्मार्टफोन से। अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों साउंड क्वालिटी आप लोगों को इस स्पीकर की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो दोस्तों इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी काफ़ी पसंद आई है। अब दोस्तों साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया है यानी कि पावर आउटपुट इस स्पीकर का काफ़ी कमाल का है, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर बैटरी भी काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस स्पीकर में आपको 2200 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको इसे फुल चार्ज करने पर 12 hours का बैटरी बैकअप काफ़ी आसानी से दे देगी। साथ ही दोस्तों कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करें इस स्पीकर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ ये स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों ये स्पीकर जो है IPX7 रेटिंग के साथ में वाटरप्रूफ भी देखने के लिए मिल जाता है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप इसे अगर पानी में भी यूज़ करते हो, इतने भी डीप में नहीं, बट दोस्तों फिर भी अगर जितना नॉर्मल पानी में यूज़ अगर आप इसे करोगे तो ये वाटर प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस स्पीकर के साथ। तो फाइनली दोस्तों अब बात करता हूँ मैं अपने ओपिनियन की कि आखिर आप लोगों को ये स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप लोगों का बजट 1000 रुपीज़ है और सेल अभी दोस्तों क्योंकि लास्ट के कुछ ही दिन रह रहे हैं और आप एक स्पीकर की तलाश में, तो डेफिनेटली दोस्तों आँख बंद करके आप इस स्पीकर को परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों स्पीकर परचेस क्यों करना है उसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब ये स्पीकर लॉन्च हुआ था इसकी तब प्राइस जो थी वो अराउंड 1500 रुपीज़ आपको देखने के लिए मिलती थी, बट करंट में दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इस प्राइस रेंज में दोस्तों कोई भी स्पीकर नहीं है जो आपको ऐसे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि दोस्तों इस स्पीकर की आपको एक तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी पोर्टेबल साइज़ है इस स्पीकर का, एक कैरी स्ट्रैप भी दे दी गई है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साउंड भी दोस्तों आपको 10 वोट की काफ़ी अच्छी इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। कनेक्टिविटी भी दोस्तों आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, फिर चाहे वो ब्लूटूथ हो, ऑक्स पोर्ट हो और एसडी कार्ड स्लॉट हो। तो दोस्तों ये फीचर्स थे जो इस स्पीकर को काफी खास बनाते हैं। अगर आप लोग दोस्तों इस स्पीकर को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा तो दोस्तों फेवरेट स्पीकर अंडर 1000 रुपीज। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में बस इतने, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बट हैप्पी दिवाली दोस्तों, जय हिंद।